दोस्तों, आज हम दिखाने वाले हैं ई रिक्शा में बैटरी कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो आज हम डिटेल में बताएंगे और सभी तरीके के रिक्शे में लगभग कनेक्शन इसी तरीके से ही किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि ई रिक्शा में बैटरी कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो ये रिक्शा है, तो इसमें बैटरी कनेक्शन करना है तो सबसे पहले तो दो बैटरी आपको ऐसे रखनी है जो कि प्लस माइनस इसका आमने सामने हो। यहाँ पर प्लस होना चाहिए इसका, यहाँ पर माइनस, और फिर ऐसे ही यहाँ पे रखना है आपको, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस आमने सामने सेम रहना चाहिए। और ऐसे ही ये इधर वाली बैटरी दिखाओ, ये इधर वाली जो बैटरी है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और प्लस माइनस कंबाइन बना के रखना है। माइनस माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो आगे से इसमें दो तार आते हैं, दो तार तो पहले ये रहे और दो तार यहाँ पे रहते हैं इसमें, ये और दो तार इसमें इधर के रहते हैं ये। तो टोटल यहाँ पे चार तार आते हैं। तो आगे से इसमें दो तार आते हैं 48 वोल्ट के। तो ये जो रेड वाला देख रहे हो, ये तार जो ज़्यादा रेड है, तो ये 48 वोल्ट का है, ये आगे से आया है। और ये जो माइनस वाला तार देख रहे हो ब्लैक, ये भी आगे से आया हुआ है। ये तार हमारा सीरीज का है, जो ऑरेंज कलर का तार है ये, तो ये वाला तार है, ये यहाँ से होके और यहाँ पे इधर आ गया है। तो यहाँ से ये होके इधर आ गया है। तो मेन तार हमारे ये दो हैं 48 वोल्ट के। तो इसकी सीरीज बनानी कैसे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कैसे सीरीज बनेगी। तो सबसे पहले तो ये रेड वाला है, तो यहाँ पर प्लस है, इसको प्लस में लगा देना है। चाहे आपका उधर प्लस में लगा दीजिए, चाहे इधर प्लस में लगा दीजिए। तो सबसे पहले हम इसको प्लस में लगा देते हैं। तो यहाँ पे प्लस में लगा दिया है हमने, ठीक है। तो 48 वोल्ट का ये जो रेड वाला तार है, ये हमने प्लस में लगा दिया है। अब इसकी सीरीज बनानी है, तो एक यहाँ पर ये जॉइंटर ले लेंगे, इस बैटरी को इससे कनेक्ट कर देंगे, यानी प्लस इसका हमने जोड़ दिया है, अब माइनस इसका जो है इसके प्लस से जोड़ देंगे। तो ये दो बैटरी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। ये वाला भी इसमें जोड़ देते हैं, तो ये दो बैटरी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। प्लस तो यहाँ पे लगा दिया है, माइनस इसका जो बचा है इसके प्लस से लगा दिया है। अब इसको हमें पीछे वाली बैटरी से कनेक्ट करना है। तो इसका तार ये पीछे से आया, ये है, ये तार हम यहाँ पे लगा देंगे और यही तार हमको यहाँ पे आके मिल जाएगा। ये तार दोनों सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके माइनस है या प्लस है, ये माइनस है, तो इधर का हमारा कंप्लीट हो चुका है आगे की वायरिंग। तो जैसे मैंने आपको फिर से एक बार बता दें, ये जो प्लस है ये आगे से आता है, 48 वोल्ट का ये प्लस है, तो ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को प्लस से जोड़ दिया। अब यहाँ पे माइनस जो बचा है, तो ये माइनस यहाँ से चला जाएगा कि यहाँ पे आ गया तार, ये वही वाला तार है जो माइनस ऑरेंज कलर का तार है, ये पहचान लें। अगर यहाँ पे माइनस जुड़ा है तो यहाँ पे ये प्लस में जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस में जुड़ा है, अब यहाँ पे ये प्लस देख लो, प्लस यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको हम प्लस से जोड़ देंगे। तो ये यहाँ पे हमने इसके प्लस में लगा दिया है जो कि आगे के माइनस से आया हुआ है। तो हमारी ये इधर दिखाओ, ये यहाँ से प्लस, यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस, यहाँ का माइनस, फिर यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस, यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस, ये चारों बैटरी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो अब हमें यहाँ का प्लस है, ये बैटरी हमें इससे कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पे एक हम जॉइंटर मार देंगे, तो ये बैटरी हमारी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर जॉइंटर मार देंगे, तो यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो माइनस का 48 वोल्ट मिल जाएगा। माइनस प्लस तो आगे से मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका हमने जॉइंटर बांध दिया है। अब यहाँ पर 48 वोल्ट का ये माइनस बचा हुआ है, ये सारी बैटरी कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए चिंगारी हुई है, तो कनेक्शन सही है, ठीक है। इसको भी हम बांध लेते हैं, फिर आपको हम हमारा ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसका हम डायग्राम भी आपको दे देंगे ताकि आपको ना समझ में आया हो तो आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं। तो इसके हम फिलहाल नट अभी टाइट कर रहे हैं।
कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, देख लीजिए एक बार, यहाँ पर दिखा दीजिए किस तरीके से कनेक्शन हुआ है। इधर से दिखाइए पहले, यहाँ का ये प्लस है 48 वोल्ट का, यहाँ पे लग गया है, और इसका माइनस पीछे लगे तो प्लस, सीरीज बना के चलो, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमें प्लस की ज़रूरत पड़ेगी तो प्लस पीछे से जरूरत कनेक्ट कर लेंगे, और फिर इसका जो माइनस होगा वो हम दूसरी बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 48 वोल्ट और ये प्लस ये इधर का, तो ये दोनों तार जो है मेन होते हैं 48 वोल्ट के। तो ये बैटरी का कनेक्शन हो गया है, डायग्राम इसका हम आपको दे देंगे, अब इसका हम टेस्ट करके दिखाएंगे कि रिक्शा ऑन हुआ है या नहीं। अब हम इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको कि कनेक्शन हमारा प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है। इसको हम यहाँ से ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए लाइट आ चुकी है, कनेक्शन एकदम राइट हो गया है। यहाँ पर दिखा दो वोल्टेज, 51 वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है, तो कनेक्शन बिल्कुल सही हो चुका है। तो दोस्तों लगभग सभी तरीकों के रिक्शे में कनेक्शन इसी तरीके से किया जाता है। मैंने डायग्राम की बात की थी, तो डायग्राम यहाँ पर ये रहा, इस डायग्राम को आप देख कर सभी रिक्शों में कनेक्शन ईजिली कर सकते हो। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आपको मिल जाए।